अयोध्या में राम की पैड़ी पर 26 अक्टूबर को दीपोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल व फिजी के डिप्टी स्पीकर बीना भटनागर दीपोत्सव की गवाह बनेंगे। राम की पैड़ी दीपोत्सव के लिए सज गई है। राम की पैड़ी पर सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई। राम की पैड़ी विभिन्न रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रही है। इस बार राम की पैड़ी पर बने मंदिरों पर लेजर लाइट के माध्यम से संचित रामायण दिखाया जाएगा। पर्यटक अभी से राम की पैड़ी की सुंदरता को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यह माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में पर्यटक 26 तारीख को दीपोत्सव में शामिल हो रहे हैं। इस बार 551,000 दियों को जलाया जाएगा, जो एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। राम की पैड़ी की सीढ़ियों पर दिए अभी से दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 5,000 से ज्यादा वॉलंटियर इन दियों को जलाने का कार्य कर रहे हैं। राम दरबार राम की पैड़ी पर बनाया गया, जिन पर दियों का प्रकाश पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह योगी सरकार का तीसरे वर्ष का दीपोत्सव है, जो भव्य आयोजित हो रहा है। तो है वास्तव में ये भव्यता को लिए हुए है, और इसमें जो हमारा फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है उसने एक बहुत बड़ा टास्क किया है। लास्ट ईयर हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिए जलाने का रिकॉर्ड जीते थे। शायद ये जो आप देख रहे हैं राम दरबार, जिसमें लक्ष्मण जी की मूर्ति है, रामचंद्र जी की मूर्ति है, सीता मैया की मूर्ति है, ये हमको लगता है कि विश्व में अभी तक ऐसी मूर्ति नहीं बनी है। तो इसका भी क्लेम किया जाएगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो कम से कम इस मूर्ति को लें, और यदि हमारी मूर्ति अतुलनीय है तो इसको भी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। दूसरा, 12 ब्लॉक्स में हमारा डिपार्टमेंट रंगोली बना रहा है, 3D इम्पैक्ट की रंगोली बनेगी। वो रंगोली भी दर्शनीय होगी, देखने योग्य होगी, और उस रंगोली का भी इम्पैक्ट दूसरा होगा। जो भी इस बार मुझको अंतर दिख रहा है, वो अंतर ये है कि इस बार गवर्नमेंट बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। विश्वविद्यालय हमारे आचार्य मनोज दीक्षित सर ने इस दिव्य दीपोत्सव की अवधारणा की शुरुआत की, क्योंकि पहले कोई सोचना ही था कि इस तरीके की भी कोई एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है। तो आचार्य मनोज दीक्षित सर का ये प्रयास सराहनीय रहा, और आज इसको राज्य मेले का जो दर्जा मिला उसमें कहीं न कहीं विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं माननीय CM साहब का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से अयोध्या के बारे में सोचा। निश्चित रूप से जब राज्य मेले का स्तर इसको मिला है तो यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ इम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, और जब इनकम इम्प्लॉयमेंट होगा तो इस क्षेत्र विशेष का विकास होगा, और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो कि नष्ट हो रही थी उसको हम संरक्षित करने में सफल होंगे। तो पूरा विश्वविद्यालय परिवार इसमें सरकार के साथ है, और हम नित नए एक टारगेट को अचीव करने का प्रयास करते हैं और वो करते रहेंगे।